आप क्या चाहती, कोई डॉक्टर वगैरह मदद करे आपको? अच्छा, कोई सरकार से कोई मदद करने आया? कुछ नहीं, कोई सरकारी, कोई डॉक्टर वगैरह कभी आया सरकारी? हो कमजोरी, लेकिन इलाज नहीं कर पा रहे हो। गंगा जी, जब आपकी शादी हुई उसके बाद पहली बार कैसे पता चला कि शांति जी को समस्या हो रही है, फिर आगे कैसे कैसे? नहीं, पहले कोई बात नहीं थी। हाँ, शादी हुई है, शादी अगर होती है मतलब कोई बात होती थी तो कोई कर फोड़ लेता है। उसके बाद में 10-15 साल के बाद में बच्चा होने के बाद ये समस्या पैदा हुई। शुरू में क्या समस्या हुई थी? कुछ नहीं। हाँ, शुरू में ये था कि हाथ पैर कह रहे हमारे पिरा रहे हैं, मैं धीरे 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 पिराते रहे, सवारी जाते होता रहा, लेकिन कवर कहीं नहीं, कवर नहीं हुआ। फिर लंबाई घटती चली गई, घटती चली गई, फिर वहाँ पर भी जवाब दे गए। अब क्या, अपने कामों कैसे करती हूँ? बस का काम कर रहा था, 24 घंटा 4 बजे भी लेती रहती, काम कर, कोई काम नहीं। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिया? ये क्या लगा, डॉक्टरों ने मना कर दिया या पैसे की कमी आ रही है? पैसे की कमी आ रही है, डॉक्टर कहीं मना करता है कि इलाज मत कराइए। पैसे होते आपके पास तो आप इलाज करा लेते। पहले बात तो नज़दीकी मामला है, आज तक डॉक्टर देखने तक नहीं आते हैं। का ये मामला है कि एक महिला की लंबाई घटी है, क्या आप लोग के सामने ऐसा मामला कभी आया है देखने में? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आता है, और हमेशा टाइम टू टाइम हाइट 18-20 वर्षों तक बढ़ती रहती है, उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसके बाद बढ़ना या घटने वाली ऐसी कोई समस्या रहती नहीं है। इस मामले को क्या कहेंगे? क्या इस मामले को तो हम यही कहेंगे, ये रेयर टू रेयर केस है, और ये शायद कहीं करोड़ों में एक आध ऐसा होता होगा। घरों गांव की शांति देवी पिछले कई दशकों से बिस्तर पर लेटी हुई, इन्हें एक अजीब बीमारी हुई है जिसके बाद इनकी हाइट लगातार कम होती चली गई, डॉक्टरों ने भी इलाज करने से मना कर दिया है। लक्ष्मी नारायण, ETV भारत, कानपुर, देहात।